हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लेक्चर वन से लेकर के लेक्चर फोर तक का टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। और लेक्चर फाइव का भी बहुत सारे बच्चे वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। और उसमें जो न्यूमेरिकल दिए हैं उसको भी बना रहे हैं। आप लोगों को हम लेक्चर वन से लेकर के लेक्चर फोर तक में 35 क्वेश्चन सेट किए हुए थे, जिसमें कई सारे बच्चों ने बनाया था। जिसमें सबसे हाईएस्ट मैं बात करूं तो वो प्रवीण कुमार है। गर्ल्स में सबसे हाईएस्ट की मैं बात करूं ब्यूटी उर्फ सिंपल कुमारी का सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो अब यहां पर हम देखते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके एलिबरेट करके विस्तार से बताएंगे। और आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन होगा उसको आप मैच कर लेंगे। वैसे मैं ऑप्शन सहित आपको भेज चुका हूं व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हुआ था, हमने सोचा उसको वीडियो बनाकर के स्पेशली डाल देते ताकि जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो जरूर देखें, ठीक है। ये जो वीडियो डाल रहे हैं आपको डिस्कशन के साथ साथ क्लियर कंसेप्ट के लिए देखेंगे। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक से लेकर के अभी 12 तक हम सीरियल डाले, फिर 13 से लेकर के आपको हम 35 तक, यानी एक से लेकर आपको 35 तक लगातार दिखाएंगे। अब यहां पर कहता है किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करती है, नहीं तो इसमें चार ऑप्शन होगा, चारों में से एक सही है। अब कहता है परमाणु भार पर, कि अनुभार पर, कि तुल्यांकी भार पर, कि सक्रियण द्रव्यमान पर। तो आप याद रखेंगे कोई भी पदार्थ में अभिक्रिया होती है तो उसके लिए उसका जिम्मेदार जो होता है वो एक्टिवेशन क्वांटिटी कहिए या मास कहिए उस पर डिपेंड करता है। एक्टिवेशन मास का मतलब हुआ जो अभिक्रिया में भाग ले रहा, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका जो होगा आंसर वो होगा सक्रियण, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सो गाइस, आप देखो क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन हो आप मैच करते जाओ, ठीक है। इसमें परमाणु द्रव्यमान नहीं हो सकता, अनुभार भी नहीं हो सकता, तुल्यांकी भार भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता, सक्रिय द्रव्यमान हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का था, अभिक्रिया के वेग की इकाई है। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई आपको एक फॉर्मूला बताए थे, रेट बराबर क्या चीज, सांद्रता बटे समय, ठीक है, सांद्रता बटे समय। तो सांद्रता का क्या होता है, मोल पर लीटर समय पर सेकेंड हो जाएगा, ऊपर चला गया। तो ये हो गया वेग का मात्रक। आपको ऐसा हम बता चुके हैं टॉपिक में, जब रेट बता रहे थे तब जाके देखिए लेक्चर नंबर 1 में स्पष्ट ही बताया गया। अब बात करें हम दूसरे कथा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया के बढ़ने पर, स्पष्ट कथा अभिक्रिया के बढ़ने पर तो वेग भी बढ़ेगा, है ना। वेग डिपेंड करता अभिक्रिया पर, ठीक है ना, वेग डिपेंड करता अभिक्रिया पर। अभिक्रिया बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया घटेगा तो वेग भी घटेगा, ठीक है। द्रव्यमान अनुपाती के नियम से ऐसा होता है, ठीक है। अभिक्रिया बढ़ने पर वेग बढ़ता है, ओके बढ़ता है। चलो ऑप्शन को तुम लोग मैच करते जाओ, ठीक है। चलो आगे, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निर्भर करता है। अब के का मान निर्भर करता है, ठीक है, के का मान निर्भर करता है। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए के का मान अलग अलग होता है, ऐसा हम बता चुके हैं। लेकिन खास करके इसका टेम्परेचर यदि होगा तो याद रखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, नहीं आपको हम ऐसा बता चुके हैं। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ओके, ताप पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलो अब देखोगे यहां पर कहता अभिक्रिया में 2a+b उत्पाद में b सक्रियण द्रव्यमान स्थिर रखा, यानी b का जितना उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, बट a का सक्रिय द्रव्यमान को दुगुना किया जा रहा है। तो ऑलरेडी पहले से देख रहे हैं a का 2 पहले से है, सक्रिय द्रव्यमान आगे 2 लगा हुआ, सक्रिय द्रव्यमान कितना 2 है। अब 2 का द्रव्यमान का दुगुना करने पर तो वेग कितना होगा, सिंपली है 2 × इसका दुगुना करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा गाइस, ठीक है, क्लियर हो गया, 4 गुना हो जाएगा। आप इसको याद रखना, ऑप्शन जो भी होगा उसको मैच कर लो। अब आगे देखो, ए इसका अमाउंट है प्लस ए, बी अमाउंट है प्लस बी, उत्पाद इस अभिक्रिया में -dA/dt किसके समान है। तो सबसे पहले देख लो रिएक्टेंट के लिए निकालना पड़ता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए आप लिखोगे आर बराबर क्या चीज, -1 बाय अमाउंट नीचे जाता है, हमेशा याद रखना अमाउंट नीचे जाता है, -a, ठीक है, dA/dt लिख सकते हो। फिर दूसरा देखते हैं, इसमें b भी दिया गया ना, b भी दिया गया तो b के लिए चलेंगे, लुक एट दिस, b भी दिया गया तो इसमें हो जाएगा r बराबर 1/b, ठीक है, माइनस लगा सकते हो इसका आगे या इसका आगे, यह हो जाएगा d कंसंट्रेशन b / dt। दोनों देखो आर के इक्वल है। कुछ बच्चे क्वेश्चन किए थे सर ये समझ नहीं आया,
आपको अभी क्लियर समझ में आया, दोनों आर के इक्वल है। अब कहता है इसमें किसके बराबर, डी कंसंट्रेशन या बाय डीटी किसके बराबर, चलो हम करते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपैरिजन करें तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हम इसको यहां पर क्लियर करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 1 बाय ए माइनस कंसंट्रेशन डी ए बाय डीटी, ये माइनस है, ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाय बी कंसंट्रेशन, है ना, डी कंसंट्रेशन बी बाय डीटी। अब देखो यहां पर ये टर्म पूछ रहा है, ये टर्म किसके समान होगा, ये टर्म, तो इसका मतलब ये साइड ये गुणा उस साइड जाकर के, ये साइड जो भी है भागा उस साइड आकर के गुणा हो जाएगा, जो गुणा उस साइड आके भागा हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस डी कंसंट्रेशन ए बाय डी टी इज इक्वल टू ये भागा में साइड आके गुणा में माइनस ए बाय बी इन टू क्या चीज डी बी बाय डी टी। ये ऑप्शन जहां होगा वो सही है, किसके समान होगा, माइनस डी ए बाय डी टी के इक्वल होगा, माइनस ए बाय बी डी कंसंट्रेशन बी बाय डी टी। ओके चलो क्लियर हो गया ये, ठीक है, छठा नंबर सबको समझ में आ गया होगा। सातवां नंबर देखो, एक अभिक्रिया में ए विल गिव्स बी में ए की सांद्रता चार गुनी बढ़ाने पर वेग दुगुना हो जाता है तो कोटि क्या होगी। अब लफड़ा क्या है इसका, कोटि निकालना, हमको कोटि निकालना, तो ए की सांद्रता चार गुना करने पर वेग कितना गुना हो जाता है, देख लो यहां पर दिया गया दो गुना हो जाता है। अब सबसे पहले चलो यहां पर लिखो आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए टू द पावर एन, रेडी होगा। अब जो कहता उसके हिसाब से सांद्रता को चार गुना करने पर वेग दुगुना हो जाता है, चलो ये क्या हो जाता है, टू आर हो जाता है। कब टू आर होता है, जब सांद्रता को हम चार गुना बढ़ाएंगे, चार ए क्या पावर क्या चीज एन, अब कहता एन का मान क्या होगा। अब देखो दोनों का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे क्या चीज। अब थोड़ा सा हम यहां पर लेकर आते हैं आर बाई टू आर, ठीक है, आर बाई टू आर उस साइड देखो क्या होगा, के के इंटू ए के पावर एन बाई के इंटू फोर ए के पावर एन, ये के कैंसिल हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल होगा, चलो कुछ नहीं है, देखो आराम से समझो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पर यदि हम इसको इसको क्लियर करेंगे तो कंसंट्रेशन ए के पावर एन ये हो जाएगा चार के पावर एन और फोर कंसंट्रेशन ए के भी पावर एन होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या वन बाय टू, यहां पर वन बाय टू बचा, उस साइड क्या बचा, वो साइड वन बाई फोर के पावर एन बचा। नहीं अब क्रॉस जरा से करो, चलो हम इसको थोड़ा सा और साइड लेकर के चलते हैं, यहां पर लेकर के आते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, वन बाई टू ये साइड डिवाइड में उस साइड आके इंटू में, तो ये साइड फोर एन डिवाइड में साइड आकर के इंटू में, तो फोर एन इज इक्वल टू टू मैं लिख सकता हूं। अब देखो बेस सेम टू सेम करो, इसका पावर एक इसका टू इंटू टू होगा ना, ठीक है, पावर एन है तो हम पावर एन लिखेंगे, यहां पावर एन हो जाएगा टू टू दी पावर एन इज इक्वल टू 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 दी पावर वन। अब देखो दो के पावर दो दूनी कितना हो जाएगा चार, पावर एन होगा कि नहीं होगा। अब देखो बेस सेम टू सेम हो तो पावर भी सेम टू सेम होगा, टू एन इज इक्वल टू वन, इसलिए एन बराबर इस साइड दो गुना उस साइड भागा में एक बाय टू, यानी कोटिज होगी, कोटि इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है, कोटिज होगी इसकी आधी हो जाएगी गाइस। अब देखो एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं, ये आर बराबर इक्वेशन से निकलेगा के इंटू सांद्रता ए के पावर है, इसके आधार पर हमको ये निकल गया। अब क्वेश्चन कहता है सांद्रता को चार गुना चार ए हो जाएगा तो वेग कितना दो गुना, तो इसका मतलब टू आर हो जाएगा। अब ये दोनों में हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड करके डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आर बाई टू आर, फिर उस साइड होगा फोर सॉरी उस साइड होगा के सांद्रता ए के पावर एन, के सांद्रता ए के पावर एन, इस साइड होगा हमारा के फोर ए के फोर ए कंसंट्रेशन पर पावर एन। अब देखो यहां पर आर आर कैंसिल हो गया, वन बाय टू यहां बच गया, वन बाय टू बच गया, यहां पर एक के पावर एन एक के पावर एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज एक बटे फोर के पावर एन, ये हमारा आ गया। अब देखो ये साइड भागा मिसाड़ा के गुना में, ये साइड भागा मिसाड़ा करके गुना में, तो फोर एन बराबर हो जाएगा टू के पावर वन। अब चार को हम क्या करें तो दो के बेस में जाए तो दो दूनी चार होता है, दो के पावर एन, ठीक है, बराबर हो जाएगा टू। अब ये टू टू दोनों बेस सेम टू सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम टू सेम होगा, यानी बेस खत्म हो जाएगा, तो टू एन बराबर वन, तो एन का मान निकालना इधर दो गुना इधर आके भागा में, तो एन बराबर वन बाई टू, यानी किसका कोटि क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर आठ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी, आपको हम ऐसा बता चुके हैं गाइस,
पर किसी भी कोटि की अभिक्रिया का यदि आपको मात्रक निकालना हो, ठीक है, यहां पर कहता है प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, सबके लिए एक फॉर्मूला हो तो बताते आप निकाल लेना। अब यहां पर कहता है वेग स्थिरांक की इकाई होगी, तो आपको बताए के बराबर क्या चीज, सांद्रता के पावर, सांद्रता के पावर 1-n पर सेकेंड, ऐसा बताए प्रथम करा, फर्स्ट करा ना, देखो प्रथम कोटि के लिए करा, इसका मतलब इसमें n बराबर क्या होगा, इसमें n बराबर 1 होगा। अब चलो n बराबर 1 हो जाएगा तो इसका मतलब 1 यहां पर रखें तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 8 8 यहां ये दिश, इसका यदि हम लेकर के चलेंगे तो सांद्रता के पावर 1-1 पर सेकंड, 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 0 और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तब इसका मान क्या होगा, 0 का मान पावर में 1 होता है, पर सेकंड हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा, सांद्रता के पावर 0, उसका मान 1 बचा पर सेकंड, 1 गुना होगा तो पर सेकंड ही आएगा। अब इसमें कहता है द्वितीय कोटि के लिए, अब यहां पर पावर 2 कर दो तो सांद्रता के बराबर हो जाएगा, सांद्रता के पावर क्या चाहिए, मोल पर लीटर के पावर 1-2 पर सेकंड, देखो 1-2 करेंगे तो यह हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर -1 पर सेकंड, कैलकुलेशन करो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकंड, इसका द्वितीय का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये क्लियर करो, देखो जहां पर जो होगा वो क्लियर करते जाओ तुम लोग। ऑप्शन शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए तो इजी है, 1 में 0 घटेगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर लो मोल पर लीटर पर सेकंड, देखो तीनों एक ही फंडा इस पे बनेगा, जितना भी वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा सब सांद्रता के पावर 1-n पर सेकंड पे बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अभिक्रिया Na प्लस NmB उत्पाद के लिए वेग समीकरण R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन A के पावर Q, कंसंट्रेशन B के पावर Q हो तो दोनों का कोटि क्या होगा, तो सिंपल आपको कोटि निकालना तो घातांक को जोड़ देना है, P प्लस Q कर देना और कुछ करना ही नहीं है। जो बच्चे नहीं समझे हो देख लो, ठीक है, इसको केवल जोड़ना है कुछ नहीं करना। यदि अभिक्रिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो वेग बढ़ जाता है, क्योंकि टकराने का जो दर होता है ना वो बढ़ जाता है, और टकराने का जब दर बढ़ता है तो उत्पाद बनने का दर बढ़ जाता है। आई होप कि आपका टोटल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम 13 से आगे लेकर के चलेंगे और आपको दिखाते हैं 13 के बाद आपका कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा और कौन न्यूमेरिकल आपका बनाने वाला है, टोटल आपको मैं बना के आज बताऊंगा, ठीक है, चलो इसको स्टार्ट कर लो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर आप 12 तक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से मैं स्टार्ट किया हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसके बाद फिर हम 26 से लेकर 35 तक जाएंगे। अब देखा जाए जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है उसमें आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन जरूर करेंगे ताकि आपको हम उससे रिलेटेड और अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर डाल सके। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 13 से, यदि अभिक्रिया में H2 प्लस Br2 विल गिव 2HBr के लिए R इज इक्वल टू K into S concentration S2 concentration of Br2 to the power 1/2, तो कोटि क्या होगा, इस पर नहीं तो पावर क्या चाहिए, एक है, पावर एक है और इस पर पावर 1/2 है, तो कोटि सिंपली निकालोगे तो क्या होगा, 1+1/2 इज इक्वल टू 3/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी अभिक्रिया में x प्लस y विल गिव्स प्रोडक्ट के लिए वेग समानुपाती x टू द पावर a y टू द पावर b, तो कोटि क्या होगा, सिंपली दोनों को जोड़ देना पावर को, a प्लस b इसका ऑर्डर हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू है, इसमें आ जाएगा 3/2 इक्वल टू है, ठीक है। अब चलो 15 में कहता है अभिक्रिया में a प्लस b उत्पाद में है, यदि अभिक्रिया की कोटि a के संदर्भ में 2, अभिक्रिया ए के कोटि के संदर्भ 2 और बी के संदर्भ में कितना है 3 है, ए और बी की सांद्रता को दुगुना करेंगे तो वेग कितना गुना होगा, बहुत ही है। चलो सबसे तो पहले ये तुमको दिखा दे आर बराबर क्या क्या करा, आर बराबर करा सांद्रता ए के पावर कितना है ना, देखो स्पष्ट कहता है कोटि 2 होगा, सांद्रता बी के पावर कितना 3, कोटि 3 होगा। अब कहते इसमें हम कितना रखे तो वेग कितना गुना होगा, जरा सा उसको देखो, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड पोजिशन में ये R1 हो गया, सेकेंड पोजिशन में R2 इज इक्वल टू के इंटू, अब कितना गुना करेंगे सांद्रता को, ए तथा बी की सांद्रता दुगुना करेंगे, कोटि जो है वो फिक्स रहेगा, अब सांद्रता को दुगुना करेंगे यानी कंसंट्रेशन को ट्वाइस करेंगे दोनों के लिए, तो R2 इज इक्वल टू के इंटू 2 है ना ए के पावर 2 बी के पावर 3। अब चलो अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे
तो सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए दोनों को हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, आर टू बराबर के इंटू दो, दुनिया क्या हो जाएगा चार कंसंट्रेशन ए के पावर दो, ये क्या हो जाएगा दो दुनिया चार दुनिया आठ इंटू कंसंट्रेशन बी के पावर क्यू, यानी हम दो का स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, दो के क्यू को बाहर निकाल लिए, तो मेरे पास बचा क्या होगा, तो अब दोनों को हम क्या करें आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर वन का क्या के इंटू कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन बी का स्क्वायर बटे के इंटू क्या है फोर इंटू कंसंट्रेशन ए स्क्वायर इंटू क्या है एट कंसंट्रेशन बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर के कट जाएगा, ठीक है आठ चौक कितना हो गया सिंपली 32 हो गया, ठीक है सिंपली 32 हो गया, तो हमको करना कुछ नहीं है, अब इसका वैल्यू रख दो ठीक है चीज। अब ये हो जाएगा आपका सिंपली यहां लिखते हैं आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू वन बाय 32 लिख सकते हैं सर। यदि क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है वन इंटू आर टू, तो आर टू इज इक्वल टू वन इंटू आर टू हो गया, ये हो जाएगा आर वन इंटू 32, तो ये हो जाएगा 32 इंटू आर वन, यानी बेग जो होगा हमारा 32 गुना बढ़ जाएगा, पहला बेग आर वन 32 गुना बढ़ेगा, देख लो स्पष्ट नहीं कर सबको समझ में आ गया। अब चलो अभिक्रिया में 2x plus y Williams x2y में y की सांद्रता को स्थिर रखते हैं, y का कंसंट्रेशन बिल्कुल फिक्स रखते हैं, x की सांद्रता को चार गुना करें तो वेग क्या होगा, तो सबसे पहले इसका रेट लिखो r बराबर r इज इक्वल टू क्या होगा k इंटू कंसंट्रेशन x, ठीक है और y कंसंट्रेशन है ना। अब यहां पर जरा सा देखो फोकस करो, तो यहां पर कहता है कि x2 बन रहा है तो मीन्स ऑफ दैट पावर 2 इस पर पावर 1, ठीक है अब कहता है y का कंसंट्रेशन हम फिक्स रहते हैं, x का कंसंट्रेशन हम चार गुना करते हैं, तो सिंपली यदि चार गुना करेंगे तो यहां पर r1 ही हो जाएगा r2 k into, अब ये हम चार गुना करते हैं चार x का स्क्वायर y का पावर 1, तो चार स्क्वायर करें तो चार चौक क्या हो जाएगा 16, सिंपली हो जाएगा ये 16 गुना बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन उसी तरह से भागा करके निकालेंगे, ठीक है जिसको और भी क्लियर समझ लो देखो हम यहां समझाते हैं R1 by R2, R1 का वैल्यू K into सांद्रता A के पावर 2, X के पावर 2, सांद्रता Y के पावर 1 by K into, अब देखो यह क्या है 4 का स्क्वायर है 4 चौक 16 ये बाहर होगा X स्क्वायर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा into 16 कंसंट्रेशन X स्क्वायर कंसंट्रेशन Y1, ये 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 के कैंसिल, अब ये देखो इस साइड नहीं कुछ तो 1 बचा होगा ऊपर, तो R2 into 1 तो R2 हो जाएगा, यह हो जाएगा R1 into 16 तो 16 इंटू आर वन फिक्स हो गया, बेग हमारा 16 गुना बढ़ गया। चलो आगे अभिक्रिया में सांद्रता 0.01 एम से 0.08 होने में एम होने में 10 सेकेंड लगता है तो औसत बेग क्या होगा, सबको बताया औसत बेग क्या होगा अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे टाइम, और ये यदि बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट के लिए होगा ना, तो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या चीज सी टू, ये हमारा क्या है सी वन, तो होता है सी टू माइनस सी वन, तो हम एवरेज आर एवरेज इसको लिखते हैं शॉर्ट में आर ए भी सी टू माइनस सी वन बाई टी हो जाएगा, तो सी टू की मैं बात करूं तो क्या 0.08 माइनस 0.01 बाई 10, यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 0.07 बाई 10 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.007 कैलकुलेट करके पूरा निकालेंगे तो 7 इंटू 10 टू दी पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है चलो जो भी आंसर होगा आप फटाफट से मैच करते जाओ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 18 था, ठीक है इतना मोल पर लीटर पर सेकंड गाइस आंसर हो जाएगा। अब 19 की मैं बात करूं सांद्रता में परिवर्तन होने पर वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो कौन सी कोटि होगी, वो हमारा शून्य कोटि है जो ग्राफ में हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है केवल शून्य ही कोटि एक ऐसी है जिसके सांद्रता में हम परिवर्तन करेंगे तो उसके वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है चलो आगे अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता प्रति समय क्या होती है घटती है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर से नीचे क्या होता आता है घटती है, चलो ये मिला लो आंसर कहां होगा अभिक्रिया में a प्लस b उत्पाद में r इज इक्वल टू कंसंट्रेशन a के पावर 1/3 कंसंट्रेशन b के पावर 2/3, तो कोटि क्या होगी सिंपली जोड़ देना n बराबर, तो n बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 एलसीएम 3, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3/3 कैलकुलेट करके 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है देख लो कौन सा इसका ऑप्शन होगा वो जोड़ लो तुम लोग। दो या दो से अब अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होगी, तो ऐसे अभिक्रिया को आपको बताए थे अभिक्रिया की आणविकता में इसको जटिल अभिक्रिया बोलेंगे, और जो एक ही पद में होगा उसको हम क्या बोलेंगे सरल अभिक्रिया बोलेंगे, ऐसा बता चुके हैं आप लोग को। चलाओगे यदि ताप में अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सी बढ़ाया जाए तो वेग कितनी गुनी बढ़ जाती है
दो गुनी बढ़ जाती है। इसका व्यंजक भी आप लोग को आगे बताएंगे और इसका तत्काल हम थ्योरम आगे बता रहे हैं प्रभावित करने वाले कारक में। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक लेक्चर 3 में बता चुके हैं, जाके वॉच कीजिए समझ में आ जाएगा। अभिक्रिया H2O2 गैस O2 गैस H2O2 में हाफ माइनस dH2/dt को दर्शाता है। अब देखिए ये जो हाफ 1/2 है, अब माइनस जब लग गया तो माइनस होता है विघटन या अपघटन का दर, अब प्लस होता बनने का दर। इसका मतलब हो जाएगा ये H2 के विघटन के दर को दर्शा रहा, ठीक है। यहां लिखते हैं H2 के विघटन का दर, ठीक है, क्योंकि माइनस है, माइनस में विघटन ही होता, ठीक है, और प्लस में आपका क्या होता बनना होता है। चलिए अब कहते हैं इसमें स्पर्श रेखा का ढाल, अब किसी भी समय में तात्क्षणिक अभिक्रिया में किसी भी समय में अभिकारक और उत्पाद में स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, ऐसा आपको बता चुके हैं। दैट्स क्लियर। देखो कितना मजा आ रहा, सब पीछे वाला चीज है, इसमें एक भी चीज ऐसा नहीं है कि जो हम एक्स्ट्रा जोड़े, नहीं, समझ में आ गया, तो इसको फटाफट से नोट कर लो, ओके, क्योंकि आगे जो देंगे इससे भी बराबर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, नोटेड दिस। तो गाइस 26 से लेकर के हम 35 तक अभी आप लोग को बता रहे हैं। अब इसमें कहता है 26 में 25 तक क्लियर हो गया, अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक समान होगा, तो किस कंडीशन में इसका रेट यानी आर किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, ऐसा दिमाग लगाओ। कब होगा ऐसा, जब हम इसकी सांद्रता की इकाई एक लेंगे, जीरो लेंगे तो आप याद रखेंगे जीरो लेंगे तो ये टर्म्स कभी नहीं शो करेगा, तो कब शो करेगा, जब इसकी सांद्रता इकाई होगी, मतलब केवल सांद्रता एक होगा, तब सिचुएशन होगा कि आर जो होगा के इक्वल होगा किसी भी रिएक्शन के लिए। तो हम यहां पर सांद्रता को कितना लेंगे, इकाई लेंगे, या इकाई को ही एक बोला जाता है, ठीक है, दैट्स क्लियर हो गया। चलो N2 गैस H2 गैस विल गिव 2NH3 अभिक्रिया को दर्शाता है। अब यह अभिक्रिया में दर्शाएगा क्या चीज, दर्शे इसको देखो, अब अणु की संख्या इसमें कण कर लो, यदि अणु की संख्या 3 तक होगा तो वो सरल होगा, 3 से ज्यादा होगा तो जटिल होगा। तो यहां पर देखते हैं 1 + 3 जोड़ेंगे तो 1 + 3 इज कर दो क्या चीज, 4 अणु हो जाएगा, 4 अणु यदि होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, बोलो, जटिल को ही दर्शाएगा ना, कॉम्प्लेक्स को दर्शाएगा। अब इसमें कहता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल गिव 2NH3 के लिए, NH3 के संदर्भ में सही है, तो NH3 के संदर्भ में क्या सही होगा उसको बताना हमको, ठीक है। अब इसमें जरा सा देखो, ये दिया गया है तो इसके लिए हो जाएगा, इसमें 1/3 होगा, इसमें 1/2 होगा, इसमें 1/2 होगा, लेकिन ये बन रहा तो प्लस होगा, तो 1/2 लिख सकते, 1/2 प्लस dNH3 बाय क्या चीज dt, जो भी ऑप्शन होगा आप क्लियर कर लो इसमें, ठीक है। जब अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता समान होती है तो उस अवस्था को हम लोग साम्यावस्था, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम फेज उसको बोला जाता है, ठीक है, जहां पर आपको ऐसा बताए थे ग्राफ, ये उत्पाद का होगा, ठीक है, और ऊपर से नीचे आएगा ये किसका, अभिकारक का होगा, तो ये बीच में जहां कटता है ये हमारा साम्यावस्था कहलाता है, ऐसा बता चुके हैं। अभिक्रिया में ए विल गिव्स प्रोडक्ट कोटि द्वितीय होगी और सांद्रता को दोगुनी करेगी तो बे कितना बुरा होगा, तो दो गुना करेंगे, 2 के पावर 2 कर दो तो सिंपली 2 दुना क्या हो जाएगा, बेग इसका 4 गुना बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, एक चीज याद रखना, कोटि देखना कितना और सांद्रता देखना कितना है, कोटि यहां पर 2 है और सांद्रता कितना गुना हो रहा है, सांद्रता 2 गुना हो रहा तो 2 के पावर हम 2 कर देंगे, 2 दुनी 4 हो जाएगा, यदि कोटि यहां 3 रहता तो 2 के पावर हम 3 कर देते तो 8 हो जाता, यदि यहां पर कोटि 2 है सांद्रता 3 गुनी करते हैं तो 3 * 3 = 9 हो जाता, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है, यानी कोटि हमेशा सांद्रता के पावर बन जाएगा, इस तरह से शॉर्ट आउट में निकाल सकते हो। 2N2O5 4NO प्लस O2 के लिए सही होगा, तो अब देखो इसमें 1/2 ठीक है माइनस dN2O5 बाय क्या चीज dt, या आप इसको लिख सकते हो 1/2 N2O5 के विघटन का दर, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा आप इसको क्लियर कर लो। आप देखो इसमें औसत अभिक्रिया कहता है ये ज्यादा है और ये सॉरी ये कम है, ये ज्यादा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है RAV इक्वल टू आपको बताया ठीक है चीज C2 - C1/t, तो C2 देखेंगे इसका कितना 0.8 - 0.3 बाय क्या चीज, अब सेकेंड में निकालना था 300, कैलकुलेट करा था 0.5 बाय क्या चीज 300, कैलकुलेट करोगे इसका ऑप्शन डी होगा, डी इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है, आप कर लेना मैच।
धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। सक्रिय ऊर्जा का मान घटता है क्योंकि ये इतना एनर्जी बढ़ा देता है कि उत्पाद उतना बढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान घट जाता है धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। सूक्ष्म अणुओं की संख्या बढ़ने पर मैं फिर यहां पर देखो अभिक्रिया के वेग प्रभावित करने वाले कारक है। सूक्ष्म अणु की संख्या ठोस का बढ़ता है, टकराने का दर बढ़ता है, टकराने का दर बढ़ता है तो वेग बढ़ जाता है। वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। चलो ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान यहां बढ़ जाता है। चलो यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप बताओ यहां तक में आप मिला लो सारे बच्चे जो आज टेस्ट दियो कितना आपका सही है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया जो बच्चा हाईएस्ट है। चलो अब आपको हम लेक्चर नंबर 5 से लेकर के जहां तक टेस्ट अलाउ करेंगे वहां तक आप रेडी रहना, बट कंटिन्यू वॉच करो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम अगले लेक्चर को लेकर के, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को देखिए, आंसर को मिलाए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में सेंड करें, मैं उसको क्लियर कर दूं। ओके, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।